बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का 147वां यौम पैदाइश आज मेरी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मज़ार कायद पर मुनाक़िद की गई, जहां पर बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनकी खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया गया। उनके मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी भी की गई और कौमी तराना भी पेश किया गया, जबकि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाको चौपन दस्ते ने गार्ड के फ़राइज़ भी संभाल लिए हैं। आज की तकरीब के मेहमान खसूसी मेजर जनरल इफ्तिकार हसन चौधरी हैं। मेहमान खसूसी इफ्तिकार हसन चौधरी ने गार्ड्स का मुआयना भी किया, जबकि उन्हें कैडेट की जानब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मेहमान खसूसी इस वक्त जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के मज़ार पर अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। मेहमान की किताब में तासुरात कलमबंद किए जा रहे हैं और ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं मज़ार कायद पर, जहाँ पर बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिना का 147वां यौम पैदाइश आज मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है, जबकि गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनाक़िद की गई, जहाँ पर बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिना को खराज अकीदत पेश किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और उनकी खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा था और उनके मज़ार पर फूल भी रखे, फातिहा ख्वानी भी की गई और एक पुरवकार तकरीब जिसके मनाजिर आपने देखे, वहाँ पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाको चौपन दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ भी संभाल लिए। गार्ड्स की तब्दीली की ये पुरवकार तकरीब बराह रास्त आपको शहर कायद से हम मुलाहिज़ा। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का 147वां यौम पैदाइश आज मेरी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मज़ार कायद पर मुनाक़िद की गई, जहां पर बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, उनके मज़ार पर फूल रखे गए और फातिहा ख्वानी भी की गई, कौमी तराना भी पेश किया गया, जबकि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाको चौपन दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। आज की तकरीब के मेहमान खसूसी मेजर जनरल इफ्तिकार हसन चौधरी हैं, जबकि मेहमान खसूसी इफ्तिकार हसन चौधरी ने गार्ड्स का मुआयना भी किया, उन्हें कैडेट्स की जानब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मेहमान खसूसी ने मज़ार कायद पर मेहमान की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं, लाइव मनाजिर हैं ये कराची के, जहाँ पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनाक़िद की गई, बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का 147वां यौम पैदाइश आज मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मज़ार कायद पर मुनाक़िद की गई थी, जहाँ पर बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, उनकी खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया गया, उनके मज़ार पर फूल रखे गए और फातिहा ख्वानी भी की गई, जबकि कौमी तराना भी पेश किया गया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले, जबकि आज की तकरीब के मेहमान खसूसी मेजर जनरल इफ्तिकार हसन चौधरी थे। मेहमान खसूसी इफ्तिकार हसन चौधरी ने गार्ड्स का मुआयना भी किया, उन्हें कैडेट्स की जानब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मेहमान खसूसी ने मज़ार कायद पर मेहमान की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। मनाजिर आपने देखे, जहाँ पर कायद आज़म के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनाक़िद की गई, आज बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिना का 147वां यौम पैदाइश मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। और बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिना को खराज तहसीन भी पेश किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, साथ ही गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब की मुनाक़िद की गई और मेहमान खसूसी के तौर पर मेजर जनरल इफ्तिकार हसन चौधरी। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिना का 147वां यौम पैदाइश आज मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मज़ार कायद पर मुनाक़िद की गई।